हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने एक महीने पहले वीडियो बनाई थी एफकैट के ऊपर, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एंड उसमें मैंने बताया था कि 1 दिसंबर को एयरफोर्स इसकी लीगल नोटिफिकेशन जारी कर देगा वेबसाइट पर। तो गाइज़, आज 1 दिसंबर है और एफकैट एयरफोर्स की तरफ से इसकी अभी लीगल नोटिफिकेशन आ चुकी है। ओके, तो उस वीडियो में मैंने बताया था गाइस कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है एक्चुअली। ओके, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि आपको वेबसाइट पे जाके कैसे उसके फॉर्म फिल करने हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। आपको मैं क्लियर डिफरेंस बताऊंगा EKTE एंड FCAT के बारे में और कौन कौन बंदे FCAT मतलब EKTE अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में कमेंट मिले हैं कि EKTE लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड एलिजिबिलिटी के ऊपर भी मेरे को क्वेश्चन मिले हैं, तो मैं इसमें इस वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा। ओके, अलॉट टू लर्न, अलॉट टू डिस्कस, लेट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम इसमें कंटेंट देख लेंगे कि इस वीडियो में हमको किस चीज़ों पे बात करनी है। तो फर्स्ट होगा हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में हम देखेंगे। सेकेंडली, आप एलिजिबल हो कि नहीं इस एग्ज़ाम के लिए, आप कैसे चेक करोगे एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाके, तो हम ये भी इसमें चेक करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हो। देन थर्ड देखेंगे गाइज, हम लोग FCAT और EKTE का क्लियर डिफरेंस, मतलब एक्चुअली बहुत सारे बंदों को अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि EKTE क्या होता है और FCAT क्या होता है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं FCAT के लिए, कौन नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें बता दूंगा, कौन बंदे EKTE के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड लास्ट में मेरी तरफ से कुछ टिप्स जो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम में बहुत यूज़फुल होने वाली है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हाउ टू अप्लाई, तो आप या तो एयरफोर्स की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, या तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो FCAT की लीगल वेबसाइट है fcat.cdac.in, ये वेबसाइट आपको टाइप करना है। जब आप इस वेबसाइट को टाइप कर लोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, इस विंडो के ऊपर आपको इंडियन एयरफोर्स का लोगो दिख जाएगा, बहुत सारे ऊपर ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे ऊपर में, एक तो FCAT 01 2019 और FCAT 2 2018। तो 2018 तो आपका कोई यूज़ का नहीं रहा अभी, तो 2019 पे जब आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, साइन इन की विंडो, तो आप साइन इन तभी कर पाओगे जब आपने रजिस्टर किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कर देना रजिस्टर हियर करके। जब आप रजिस्टर हियर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको मैट्रिकुलेशन के हिसाब से अपना नाम डालना है। ये डालते वक्त बहुत सावधानी रखिएगा, अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट हाथ में लीजिएगा, उसके ऊपर जैसा नाम है जिस भी ऑर्डर में है, जैसे कि आपका नाम पहले, पापा का नाम बाद में, उसके बाद आपका सरनेम, इस सब हिसाब से ही डालिएगा, ठीक है ना, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। एंड ये सब करने के बाद आपको करना है साइनअप। साइनअप कर दोगे तो आपको एक मेल आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए। गाइस, मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आप फिर से एक बार साइन इन करिएगा। साइन इन के अंदर आप अपना ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड डाला है वो डालिएगा, ठीक है ना। एंड देन आपके सामने विंडो जो ओपन होगी, आपको अपने क्रेडेंशियल्स उसके अंदर फिल करना है और धीरे धीरे प्रोसीड करना है। बहुत ईजी प्रोसीजर है गाइज, आई एम श्योर कि आप ईजिली उसको भर लोगे, ठीक है ना। तो अभी गाइज, सेकेंड क्वेश्चन आता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाके चेक करोगे, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे चेक कर सकते हो। तो आपको फिर से उसी वेबसाइट पे जाना है fcat.cdac.in, उसके ऊपर जाओगे जब, तो ऊपर आपको करियर ये ऑप्शन, मतलब वेबसाइट ओपन होने के बाद जो करियर ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर आपको जो करियर एज़ पर क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद गाइज, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको डिफरेंट दिख जाएगा, मतलब 10+2 के बाद आप क्या अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बेस पे आप कौन से ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे आप कौन से ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड आपको एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दिख जाएंगी। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नाउ बात आती है गाइस कि FCAT और EKTE के बीच का डिफरेंस क्या है, जो कि मेन क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ कि FCAT और EKTE का डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, बेसिकली FCAT का फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही है कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इस वर्ड में कॉमन लगा हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि ये गाइस ये एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। ओके, कोई भी ग्रेजुएट इस एग्ज़ाम को दे सकता है, जो कि नोटिफिकेशन में जो भी मेंशन होंगे उस हिसाब से। ओके, EKTE स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। तो जहाँ तक बात इंजीनियरिंग की वर्ड की आ रही है, तो ऑब्वियसली जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होंगे वही एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है गाइस कि मैंडेटरी कौन सी एग्जामिनेशन। तो अगर आपको एयरफोर्स में एडमिट होना है तो FCAT आपके लिए मैंडेटरी है, आपको एडमिट FCAT क्वालिफाई करना ही होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जबकि EKTE मैंडेटरी तो नहीं होता है, मगर इफ़ सपोज आप लोग टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है कि गाइस कि FCAT कोई भी ग्रेजुएट एज़ पर मैंशन इन द नोटिफिकेशन एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। एंड
EKT ओनली टेक्निकल ग्रेजुएट, नोटिफाइड स्ट्रीम के अंदर जो भी टेक्निकल ग्रेजुएट होंगे वही EKT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन आता है गाइज़ कि डिप्लोमा वाले EKT के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो गाइज़ डिप्लोमा वाले EKT के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिप्लोमा वाले सब ध्यान में रखिएगा। आप FKAT के लिए तो अप्लाई कर सकते हो, बट आप EKT के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरी तरफ से कुछ टिप्स है गाइज़ जो कि आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है जब आप ये फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। तो टिप नंबर वन, अपने जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, 10th से लेके आपकी ग्रेजुएशन तक, सारे अपने मार्क्स और परसेंटेज अपने साथ रखिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंडली, आपकी जो रिसेंट फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है, आप क्या कीजिएगा, उसको कैमरे से फ़ोटो खींच लीजिएगा एंड फोटो रिसाइजर ऐप का यूज़ करके उसको रिसाइज कर लीजिएगा। मैं यूजुअली यही करता हूँ, मैं और बेसिकली लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये इजीएस्ट वे है गाइस, क्योंकि बहुत सारे फोटोज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने पिक्सल में चाहिए, लेंथ विड्थ के हिसाब से चाहिए, तो ये आपको इस ऐप में इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये फॉलो कीजिएगा। सेकेंडली, ये एग्ज़ाम वन ऑफ द इजीएस्ट एग्ज़ाम है गाइस, और इसके अंदर आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपका प्रिपरेशन अगर आप डे वन से स्टार्ट रखोगे तो आप डेफिनेटली मतलब एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे। एंड थर्ड इज़, लास्ट डेट के लिए वेट मत कीजिए। नोटिफिकेशन ये अराउंड दिसंबर एंड तक चलेगी, मतलब दिसंबर एंड तक इसकी पोर्टल ओपन होने वाले हैं, ओपन रहने वाले हैं। तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद 4 या 5 दिन में इसको भर लीजिए, जो कि आपको आगे तकलीफ़ नहीं होगी। तो गाइज, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो इस टोटल नोटिफिकेशन को लेके, ठीक है ना। मैंने डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस नहीं किया, आपको बहुत सारे वीडियोज़ में वो डिटेल नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, बट मेरा मेन इंटेंशन वो नहीं था। मेरा मेन इंटेंशन था कि मैं आप लोग के डाउट क्लियर कर पाऊँ, ओके। जो भी बेसिक डाउट होते हैं जो कि हमने भी फेस किए थे एग्जामिनेशन देते वक्त, और जो कि अदर कैंडिडेट फेस करते हैं, तो वो मैं यूजुअली डिस्कस करता हूँ, ओके। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, और इस वीडियो को एंड करूँगा एक पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट के साथ, जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि गाइज, इफ़ यू डोंट नो योर वैल्यू, समबडी विल टेल यू योर वैल्यू एंड इट वुड बी लेस देन योर वर्थ, ओके। तो आप बेसिकली फ़ोटो तो देख ही सकते हो, इसके अंदर फ़ोटो सेल्फ इंडिकेटिव है, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू खुद पहचानिए, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, मैं तो कहूँगा इंजीनियर्स के लिए। अगर आप सच्ची कंट्री के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो FKAT एक ज़रिया हो सकता है आपके लिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस सिलेबस, लगे तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, अगर आपको इसके ऊपर और भी वीडियोस चाहिए जिसके अंदर मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूँ, प्रिपरेशन प्लान डिस्कस करूँ, या फिर उसके जो भी क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मेरे को आइडिया लग जाएगी कि आपको कौन से टॉपिक पर और वीडियोज़ चाहिए, ओके। तब तक के लिए गाइज, गुड बाय फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।